नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। तो आज हम ऐसा विषय लेंगे जिससे कि आपको ये मालूम हो सके कि आपकी जो उनसे महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो उसके जो फल हैं आपको कैसे मिलने वाले हैं, मिश्रित फल मिलने वाले हैं, अच्छे मिलने वाले हैं, बुरे मिलने वाले हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ नियम जान लेते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए जब हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, उसकी महादशा और अंतरदशा के बारे में देख रहे हैं। तो कुछ नियम हैं जो आज हम जिनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि से एक तो ऐसे ग्रह जो एक जैसा व्यवहार करते हैं या एक जैसा कार्य करते हैं कुंडली के अंदर, जिसको हम सहकर्मी बोल सकते हैं, जो एक तरीके से एक ही जैसा काम करते हैं, वो ग्रह। दूसरा जो है कि हम संबंध जानेंगे आपस में ग्रहों का, कि जिनका आपस में संबंध हो जाता है तो वो आगे हमें जो है कि प्रेडिक्शन में या फलित में कैसे जो है कि सहायता करेंगे, वो आगे चल के पता करेंगे। लेकिन आज उस नियम को समझ लेते हैं जिससे कि हमें ये आसानी हो जाए कि हम जब किसी की जन्मपत्री देख रहे हैं तो उसके अंदर कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, तो उससे हम कैसे पता करें कि महादशा अंतरदशा जो है वो जातक या जातिका के लिए अच्छी रहेगी अथवा नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मेरी तो महादशा जो है कि उच्च के गुरु की चल रही है या उच्च के मंगल की चल रही है, वो दसवें भाव में बैठा है, फल अच्छे नहीं मिल रहे। ये कोई कहता है कि मेरे जो कि पैसे वाले दूसरे भाव के अंदर कोई पैसे वाले जो घर है उसके अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसके फल अच्छे नहीं मिल रहे, पैसा आ नहीं रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं जो आती हैं मतलब बीच बीच के अंदर, तो क्योंकि जो महादशा होती है वो बहुत लंबे अर्थ के लिए होती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कोई महादशा जो है 19 साल की है, कोई 17 साल की है, और जैसे हमारी शुक्र की 20 साल की है, तो जो इतना लंबा जो समय है, जो समय सीमा इतनी लंबी है, वो जो है कि एक जैसी तो रहेगी नहीं। उसके अंदर जो है कि जो दूसरी अंतरदशाएं आएंगी, कुछ अच्छी आएंगी, कुछ बुरी आएंगी, और फिर वो क्या योग है आपकी कुंडली के अंदर जो है कि उसकी वजह से मतलब कि कौन सी अच्छी फल देगी और कौन सी बुरे फल देगी, वो भी अलग अलग होंगे। सबका अगर एक जैसा होता तो फिर ये जन्म पत्री की जरूरत ही नहीं होगी। तो उसके हिसाब से जो है कि हम आज जो है कि कुछ नियम जानेंगे जिससे कि हमें मालूम चल सके कि भाई हम जिसकी जन्म पत्री देख रहे हैं तो उनमें कौन से ग्रह ऐसे हैं जो अपनी महादशा के अंदर, दूसरे जो अंतरदशाएं आएंगी जिन ग्रहों की, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जिस महादशा के अंदर अच्छे फल देंगी उनकी अंतरदशा, और किन की अंतरदशा जो है कि महादशा के अंदर बुरे फल देगी, वो इसे बड़े आसानी से मालूम चल जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो सहकर्मी है मतलब एक जैसे कर्म करने वाले, सहकर्मी तो नहीं बोलेंगे, सहकर्मी तो वो जो साथ काम करते हैं यानी, लेकिन एक जैसे कर्म करने वाले जो ग्रह हैं वो हम देखेंगे। पहले वो ढूंढेंगे कुंडली के अंदर से जिनमें से कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, तो जो है कि वो, और फिर सहकर्मी भी देखेंगे जो एक जैसा काम करेंगे, तो उन दोनों को डिफाइन करेंगे पहले। तो पहले चलते हैं देखते हैं। पहले तो हमारा आ गया केंद्र, 1, 4, 7, 10। ये जो है कि किसी की भी महादशा हो इसके अंदर, मान लीजिए पहले चौथे सातवें दसवें, इनके अंदर जब इनकी दशा चलेगी मतलब एक जैसे कार्य करने वाले ग्रह, ये केंद्र के स्वामी हो गए, एक केंद्र के स्वामी में दूसरे के अंदर की जो अंतरदशा आएगी तो वो उसी प्रकार से व्यवहार करेगी जैसे कि महादशा चल रही है। ये मतलब इस तरीके से जो है कि इन दोनों काम करने का तरीका सेम होगा क्योंकि केंद्र के स्वामी हो गए। तो ये जो है कि आपस में हम इनको एक धर्म के बोल सकते हैं यानी कि सहधर्मी बोल सकते हैं। तो ये जो है कि मतलब एक ही धर्म है इनका जो है कि कार्य करने का, एक ही तरीके से कार्य करते हैं ये, तो वो हमारे चार केंद्र हो गए। अब इसके अंदर जो हमारे त्रिकोण बनते हैं 1, 5, 9, ये हमारे त्रिकोण हो गए। अभी त्रिकोण के स्वामी हैं, इनका एक ग्रुप हो गया कि भाई ये जो है एक जैसा कार्य करते हैं, त्रिकोण के स्वामी जो है योग कारक बोले गए हैं, बढ़िया बोले गए हैं कुंडली के लिए, तो ये बढ़िया बोल देंगे। जो पहले घर का मालिक होगा, पांचवें घर का मालिक होगा, नौवें घर का मालिक होगा, ये बढ़िया बोल देंगे। अब जो है कि इसके अंदर जो है कि अब जो है कि जो दो घर है हमारे, जैसे दूसरा और 11वां, ये दोनों जो है घर, ये भी जो है इनके स्वामी भी जो है एक जैसा फल देंगे क्योंकि एक जो है कि दोनों धन से संबंधित हैं,
एक लाव भाव का स्वामी है और एक हमारे फाइनेंस का घर है, हमारे जो है बैंक बैलेंस का घर है, हमारे रिसोर्स का घर है। तो ये दोनों एक तरीके से एक जैसा कार्य करेंगे, सहधर्मी हो गई ये भी, यानी कि इनका कार्य एक जैसा रहेगा। तो हमारे जो ये ग्रुप हैं, इनके अंदर जो दो ग्रुप हमारे बन गए हैं, सहधर्मी जो हम इसको बोलते हैं, तो पहला तो हो गया हमारा केंद्र, एक चार सात दस, और दूसरा हमारा हो गया जो है कि त्रिकोण, एक पांच नौ। अब तीसरे में आते हैं हमारा धनुभार भाव के जो स्वामी है, दो और क्या, तो ये आपस में सहधर्मी हो गए। तो ये तीन ग्रुप बन गए, चौथा ग्रुप है हमारा जो हमारा बनेगा तीन छ आठ बारह, जिनको कि हम त्रिकस्थान बोलते हैं। तो ये हमारे चार त्रिकेणी ग्रुप हो गए जो कि हमारे सहधर्मी हैं, क्योंकि जो भी ये चार ग्रुप हैं, इन ग्रुप के अंदर किसी एक ग्रुप का मालिक जो है, मान लीजिए केंद्र का स्वामी, केंद्र और त्रिकोण ये दोनों हमारे शुभ हो गए। तो जब इनके अंदर जो हमारा जो है केंद्र का और त्रिकोण की जो महादशा चलेगी, केंद्र त्रिकोण की, तो वो हमें शुभ फल देगी। केंद्र और त्रिकोण जो है कि हमारे जो है कि शुभ घरों के अंदर आते हैं, जो कि केंद्र त्रिकोण राज्यों बनता, जो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनकी दशा भी एक तरीके से जो है कि हमें शुभ फल देगी। केंद्र के अंदर जो है कि हमारे त्रिकोण के स्वामी की दशा हो, या त्रिकोण के अंदर हमारे केंद्र की दशा हो, तो इस प्रकार से समझेंगे हम इसको। अब ये हो गया हमारे, अब इसी प्रकार से धन भाव है जो हमारा, अब धन भाव है तो जो हमारे जो ये धन भाव के स्वामी है दो और ग्यारह, ये एक दूसरे के जो स्वामी, एक दूसरे की जो दशा है उसमें तो अच्छा फल देंगे ही, उसके अलावा जैसे दसवां भाव हमारा कर्म भाव है, तो कर्म भाव का अगर दशा चल रही है उसमें अगर इनका आ रहा है, इनकी दशा आ रही है दो और ग्यारह के किसी की, तो वो भी हमें फल देंगे। उसके बाद जो है कि मान लीजिए कि हमारा छठा भाव है जो हमारी सर्विस का ही कहलाता है, अगर सर्विस के भाव के अंदर जो है कि हमारा जो दूसरे घर का स्वामी या ग्यारहवें घर के स्वामी की अगर दशा चल रही है, यानी कि कुछ कठिनाइयों के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हमारे पास धन आएगा, इस तरीके से हम देखेंगे, इसके बारे में खुल के आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है कि हमारे जो दो ग्रह, दो जो ग्रुप है वो है मारक, मारक स्थान दो और सात, ये भी सहधर्मी हो गए, एक ही तरीके से कार्य करते हैं। ये जो है कि बहुत ही बुरे बोले गए हैं, मारक बोले गए हैं, जिनका कार्य हमें चोट पहुंचाना है, और अगर बहुत बुरे प्रभाव में तो हमें मृत्यु शैया तक ले जाने का काम करते हैं ये, तो इसको फिलहाल हम दूर रखेंगे, क्योंकि ये कैसे काम करते हैं। पहले एक ग्रुप है हमारे, इस ग्रुप को नोट कर लीजिएगा, केंद्र त्रिकोण धनभाव त्रिभाव और मारक ग्रह। तो इस तरीके से हमारा जो डिफाइन हो गया इस कुंडली के अंदर, ये सारे घरों के जो मालिक हैं उनके ग्रुप क्या है, इनमें से जो ये दोनों भाव हैं ये शुभ हैं, इनके साथ अगर इनकी जो दशा चलती है तो ये शुभ भाव है। मतलब ये अगर मान लीजिए शुभ भाव वालों के साथ में धन भाव की चली तो ये शुभ ही फल देंगे, धन देंगे, धन दायक दशा होगी, ये दशाएं जो है धन दायक होंगी, इस तरीके से हम समझेंगे इसको। अब इसके बाद जो आते हैं हमारे जो है कि सहकर्मी, जो बोला था मैंने, जो जो है कि साथ में काम करेंगे, तो उनका जो रिश्ता जो बनता है वो किस तरीके से बनता है वो देखेंगे। जो पहला रिश्ता तो ये हो गया कि बना हो गया सहकर्मी, इसमें जो है कि दोनों साथ बैठे हुए हैं,
मतलब कोई भी दो ग्रह या तीन ग्रह या चार ग्रह अगर एक ही घर में बैठे हैं, वो कहीं भी बैठे हैं, तो उनका काम एक जैसा कार्य करेंगे, वो आपस में दोस्त हो जाएंगे। जब वो शुरू से एक साथ रहे हैं तो वो कहते हैं धीरे धीरे उनका दोस्ती हो गई, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोनों ग्रह। तो इस तरीके से होगा। तो ये जो मतलब कि सहकर्मी बोलेंगे हम इसको, और इसके अलावा इनके जो पहले ये देख लेते हैं कि मतलब कि और कौन कौन से ऐसे मतलब कि नियम है जिसकी वजह से सहकर्मी बनेंगे, एक जैसे जो कर्म करने वाले जो होंगे, जैसे कि आप जो इनका जो संबंध है, दो ग्रह एक साथ बैठे हो, आपस में दृष्टि हो, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह यहां बैठा है, कोई ग्रह यहां बैठा है, आपस में दृष्टि है तो भी, या मंगल शनि की, जैसे जैसे मान लीजिए कि मंगल यहां बैठे हैं, शनि यहां बैठे हैं, तो शनि के साथ आठ नौ दसवीं दृष्टि पड़ गई मंगल की, एक दो तीन चार, यानी कि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए, तो वो जो है कि सहधर्मी में मतलब सहकर्मी हो गए, यानी कि वो आपस में जो है कि एक दूसरे के प्रभाव में आ गए हैं, वो एक दूसरे से मिलकर कार्य करेंगे, यानी कि एक साथ बैठे हों घर सारे, या दो या तीन, तो जो भी साथ बैठे हैं वो भी सहकर्मी हुए, जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो भी सहकर्मी हुए। अब मान लीजिए कि एक दूसरे के तेज है, जैसे कि यहां मैंने पहले ही तीसरा जो नियम है वो भी मैंने बना दिया है कि जैसे कि जो शनि है वो मंगल की राशि में बैठा है, मंगल शनि की राशि में बैठा है, यहां दो तरीके का संबंध बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप और दूसरा संबंध आपको बता देते, जैसे मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठ गया और जो है कि शुक्र यहां बैठ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं लेकिन एक दूसरे के घर में बैठे हैं, तो ये भी एक तरीके से आपस में संबंध हो गया इनका, क्योंकि यहां पर भी मैंने वही चीज थी, शनि जो है कि यहां का स्वामी होकर यहां बैठा है, मंगल यहां का स्वामी होकर यहां बैठा है, लेकिन इनका दृष्टि संबंध भी बन रहा है, यानी इनका और ज्यादा गहरा संबंध बन रहा है, क्योंकि सात तीन दस से ये देख रहा है, इस तरीके से भी कोई देख रहा हूं घर तब भी संबंध बनता है, ये जरूरी नहीं है कि यहीं बैठे हो, जैसे दृष्टि संबंध कहीं से ही हो सकता है, मान लीजिए कि शनि यहां बैठा है तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मंगल यहां बैठा है तो मंगल यहां चौथी दृष्टि से देख रहा है और ये यहां से दसवीं दृष्टि से देख रहा है, तो यहां राशि परिवर्तन नहीं है लेकिन एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये हमारा दृष्टि संबंध हो गया, आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालना, तो और ये जो तीसरा हमारा एक दूसरे के घर के अंदर बैठ जाना, तो ये हमारे हो गए। अब जो तीसरा जो अपना आ गया, जो कि मतलब तीन संबंध हो गया आपका, तो दृष्टि हो गया, तीसरा हो गया हमारा जो है कि राशि परिवर्तन, राशि परिवर्तन। अब चौथा जो है कि एक किसी के घर में बैठा है और दूसरा उस पर दृष्टि डाल रहा है, इसको हम बोलेंगे कि दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध। अब इसके अंदर जो है इस तरीके से होगा, मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है कि यहां चंद्रमा बैठ गया और शनि यहां बैठ गया, अब इसमें क्या है कि चंद्रमा जो है कि शनि की राशि के अंदर बैठा हुआ है और शनि उसको देख रहा है, तो यह स्थान दृष्टि संबंध हो गया कि चंद्रमा तो उसके स्थान में आके बैठ गया और शनि ने उस पर दृष्टि डाल दी, तो एक दूसरे के स्थान के अंदर बैठा हुआ है, दूसरा उसे दृष्टि से देख रहा है, तो यह स्थान दृष्टि संबंध हो गया। तो इस तरीके से चार प्रकार के जो है हमारे जो है कि संबंध भी बनेंगे, इनके संबंधी बोल सकते हैं, तो सहकर्मी की जगह संबंधी बोल सकते हैं, संबंधी ग्रह होते हैं। संबंधी ग्रह एक दूसरे के संबंध में आ गए, ये वर्ड सही रहेगा। तो ये संबंधी हैं हमारे जो कि चार प्रकार से बनेंगे। इसके अंदर जो सबसे प्रकार जो होता है, जो सबसे ज्यादा मजबूत
संबंध माना गया है वो जो है राशि परिवर्तन को माना गया है। ये जो है कि राशि परिवर्तन वाला जो है वो सबसे ज्यादा प्रखाड माना गया है कि वो एक दूसरे के जो है कि राशि में बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर राशि परिवर्तन के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपके घर के अंदर हूं और आप मेरे घर के अंदर है, हम कितने ही बड़े शत्रु हैं, परंतु उसके अंदर दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए कि मैंने आपके जो मकान को नुकसान पहुंचाया तो सीधी सी बात है कि आप मेरे मकान को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे मकान को नुकसान ना पहुंचाओ, तो मैं आपके मकान को साफ सुथरा रखूंगा, आपका मकान बहुत बढ़िया तरीके से रखूंगा, आपके घर को अच्छी तरीके से रखूंगा, ताकि वही रिजल्ट मेरे को आपसे मिले। तो इस प्रकार से जो है ये संबंध सबसे ज्यादा गहरा माना गया है। अब दूसरा संबंध हो गया दोनों जो ग्रह साथ बैठे हैं, उनको साथ बैठे हैं, एक साथ हैं, जो कार्य कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं, तो एक संबंध ये हो गया। इसके बाद का संबंध है जो आपस में दृष्टियों एक दूसरे के ऊपर, तो तीसरा संबंध वो हो गया, और जो चौथा संबंध है वो इसे। तो ये इस तरीके से जो क्रम में जो है कि पहला संबंध जो बिल्कुल प्रकाट मानेंगे, जिसको मतलब कि अटूट दोस्ती जो है, अटूट जो है संबंध मानेंगे, वो इसको मानेंगे राशि परिवर्तन वाले। तो इस तरीके से ये जो है कि दो नियम मैंने आज बताए आपको कि जब किसी महादशा के अंदर कोई अंतर दशा चलेगी तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि भाई ये दशा अंतर अच्छी है या बुरी है। तो अब इसी के अंदर जो है कि हम आज चर्चा थोड़ी कर ही लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम करेंगे। अब मान लीजिए किसी की महादशा चल रही है, मतलब कि जैसे इसके अंदर एक चीज और बता दूं पहले मैं, जैसे कई जगह होता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो एक ग्रह है उसकी दो जगह प्लेसमेंट आ जाती है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे पहले वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहां पर जो है बुध है, ये दोनों अशुभ जगह पर आ गया, लेकिन यहां पर जो है कि एक त्रिकोण में है और एक अशुभ में है, यानी कि जो है हमारे जो गुरु जी हैं वो शुभ भी हैं और प्लस अशुभ भी हैं। ठीक है जी, और इसके अंदर कोई योग कारक ग्रह नहीं है। अगर कोई योग कारक ग्रह, जैसे मान लो इनको तो मानते ही हैं, मंगल को, सूर्य को, और जो है इनको ये योग कारक है, लेकिन ये जो मैंने आगे पीछे वीडियो बनाई हुई है योग कारक ग्रह पे, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का एक ही स्वामी हो जाए उसको हम योग कारक बोलते हैं, तो वो ऐसा इसमें नहीं है। अब दूसरा नियम और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये लग्नेश है मंगल, और जो है कि इसका एक स्वामी अष्टम भाव में है, तो इसको हम शुभ ही मानेंगे, अष्टम भाव के होने के कारण इसको अशुभ नहीं मानेंगे। क्योंकि एक नियम है कि जो स्वामी होता है, लग्न का स्वामी होता है जो ग्रह, उसको अष्टमेश या छठे भाव में जाने का दोष नहीं लगता, उसको वहां का मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद सभी उस जगह का मालिक है, यानी कि उस कुंडली का मालिक है। इसी प्रकार जब शनि की जब राशियां आती हैं तो एक यहां हो सकती है, जैसे ज्ञान मतलब कि मान लीजिए एक उधर है और एक इधर है, ऐसा शनि के अंदर मिल जाता है, क्योंकि मकर यहां होगी तो कुंभ यहां होगी, सॉरी कुंभ यहां होगी तो जो है कि तो एक राशि उसकी जो कि बारह भाव में आ जाती है, कि मकर जो है कि बारह में रह जाती है, कुंभ का जो लग्न बन जाता है। तो इस तरीके से जब अगर वो होती है शनि होता है तब भी जो उसको बारहवें भाव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये देखा कि जो लग्न का स्वामी है उसको तो हमेशा शुभ ही मानेंगे, और जो है कि इसके अंदर जो है कि हमारा जो है अशुभ, जो सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह है वो है बुध, जो कि दो त्रिक भावों का, जो मैंने त्रिक भाव बताए थे आपको ये रहे 3, 6, 8, 12, तो इसके अंदर जो है कि दो त्रिक भाव का स्वामी बन गया वो, तो इस हिसाब से जो है कि वो सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो गया। तो वो एक अशुभ ग्रह जो सबसे ज्यादा अशुभ होगा वो होगा जो है कि बुध। और एक जो है मारक ग्रह, जो कि इसके अंदर अगर मेष लग्न की ही कुंडली देखें हम, तो एक ही स्वामी बनता है शुक्र, तो उस पर अगर किसी की मेष लग्न की कुंडली है तो हम इस पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है कि
मेष लग्न की कुंडली के लिए दोनों घरों मारक ग्रह जो होते हैं दूसरा भाव और सातवां भाव दोनों के स्वामी वही शुक्र हो जाते हैं। तो जो उस पर भी हम नजर रखेंगे तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए कि पंचम के स्वामी के साथ में शुक्र की दशा चल रही है यानी कि सूर्य के साथ शुक्र की दशा है। मान लीजिए आपकी सूर्य के साथ सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है तो उस टाइम पे पंचमेश की दशा होगी उसके अंदर शुक्र की दशा होगी तो उसमें शुक्र जो है कि धनदायक हो जाएगा सुफल देगा। वहां जो मारक भाव का स्वामी है या कोई उस चीज का कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा वो सिर्फ धन भाव का जो अपना वो जो रिजल्ट है और जो सातवें भाव का रिजल्ट है पार्टनरशिप का या लव लाइफ का क्योंकि तो यहां पर जो है कि प्यार की संभावना लव लाइफ की संभावना ज्यादा हो जाएंगी पैसा भी आएगा लेकिन कुटुंब के अंदर जैसे कि कोई नया शादी होना या ज्यादा लव लव के लिए किसी को जोर देंगे क्यों बोल रहा हूं मैं कि जो कि प्यार के लिए जो है लव के लिए कि उसकी वजह यह है कि पंचम स्थान हमारे प्यार का है लव स्थान प्यार का स्थान है और जब इसके साथ सप्तमेश मिल जाता है तो मतलब ये रिलेशनशिप का है। अब रिलेशनशिप में वो शादी तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी वो तो अलग बात है लेकिन पहला कंडीशन ये हो गई तो इसके अंदर जो है कि ये दो ही किस्म के रिजल्ट दे सकता है सूर्य की महादशा में पैसा देगा या रिलेशनशिप देगा लव रिलेशनशिप। अब प्रियंतर दशा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं दशा के अंदर अंतर दशा। तो इस तरीके से जो है कि पांचवें के स्वामी के अंदर अगर आती है शुक्र की तो वो इतना बुरा प्रभाव नहीं डालेगी वो हमें लव लाइफ के अंदर अच्छे रिजल्ट देगी मैरिड लाइफ के लिए अंदर अच्छे रिजल्ट देगी रिलेशनशिप मान लीजिए कोई हम पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना चाहते हैं बिजनेस करके भी है तो वो हमें अच्छा रिजल्ट देगी बिजनेस वगैरह के अंदर अच्छा रिजल्ट देगी तो इस तरीके से वो हमारे को खराब रिजल्ट नहीं देने वाली। अब इसके बाद जो है कि हम मान लीजिए कि अभी शुक्र की जो दशा है वो बुध की महादशा में आती है बुध की महादशा के अंदर शुक्र की अंतरदशा आती है जब ये टाइम पीरियड आएगा तब जो है ये दशा हमारे को जो है कि एक्सीडेंट करा सकती है क्योंकि वो मारक है उसका कदम हमें मारना शुक्र का और जो है कि बुध जो है कि हमारे तीसरे भाव और छठे भाव छठा भाव की चीज का रोग लड़ाई झगड़े तो उस दशा के अंदर बुध की दशा के अंदर जो है हमारे जो बातचीत का कम्युनिकेशन स्किल का है वो कि हमारी बातचीत के द्वारा कुछ ऐसी बात बोल देना सामने वाले को जो है कि दिक्कत होना और वो हमारा दुश्मन बन जाना और हमसे लड़ाई करना तो इस तरीके से जो है कि वो हमसे लड़ सकता है उस टाइम पे और जो है कि हमें चोट भी पहुंच सकती है क्योंकि चोट का है क्योंकि यहां पर जो है हमारी लड़ाई झगड़े का करेगी। तो इस तरीके से यहां पर जो है बुध कि जब महादशा के अंदर जब शुक्र की अंतरदशा आएगी तब सावधान रहने की जरूरत है कि भाई यहां पर दिक्कत आ सकती है। तो ये तरीके से हम जो है कि जो बुरा जो ग्रह है उसको पहले नोट कर लें जो साथी जन मेरे जो कि पहले से ये कार्य कर रहे हैं ज्योतिष का उनको तो मालूम है उनको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है हमें जैसे ही पहली नजर में हमारे पास कुंडली आएगी तो हम देखेंगे कि हाँ दो घरों का मालिक है ये खराब है और महादशा देखिए हाँ बुद्ध की चल रही तो हमारी नजर पहले टिक जाती है बुद्ध बैठा कहाँ है कुंडली के अंदर क्या कर सकता है। तो पहले तो हम ये देख लें कि इसकी दशा में शुक्र की दशा आए तो वो बुरे फल देगी। इसी प्रकार से अष्टम भाव की जो राशि चल रही है हमारी मान लीजिए मंगल है तो यहां तो लगने सी है तो लेकिन मंगल की दशा में अगर शुक्र की आती है इसको भी डिफाइन कर ही लेते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो हमारा मृत्यु स्थान बोला गया है आयु स्थान बोला गया तो आयु को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लग्नेश भी है लेकिन लग्नेश स्वयं वहां पर जो है कि शामिल है इस दशा के अंदर जो लग्न के है वो शुभ ही देगी और शुभ किस प्रकार से हो सकती है धन आ सकता है शुक्र वहां का मालिक है शादी के वक्त पर अगर ये दशा चल रही तो शादी हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव की दशा है लग्नेश शामिल है उसके अंदर। अब तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि कोई बहुत दिनों से कोई ऐसी बीमारी हो आपको जिसकी सर्जरी की जरूरत हो क्योंकि आपकी लंबी उम्र के लिए लंबी उम्र आपकी जो है कि आयु स्थान का जो मालिक है वो आपकी लंबी उम्र के लिए और मंगल तो वैसे भी सर्जरी का कारक है
तो वो आपकी लंबी उम्र के लिए आपकी जो है सर्जरी करवा सकता है, ऑपरेशन करवा सकता है, जिसके कारण जो है कि आपकी आयु और लंबी हो जाए। यानी कि एक तरीके से देखें तो आप बोलोगे यार सुख फल है, सर्जरी करानी पड़ेगी। परंतु जब इस तरीके की दशा चलेगी तो उसके अंदर जो है कि आप सरवाइव करोगे, और उसके आपकी आयु को लंबी करने के लिए सर्जरी की गई है कि उसकी वजह से आपको दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि ये हमारे बहुत लंबी जो ना सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स का घर है। तो वो वहां पर जो है कि जो वो वैसे सॉल्व नहीं हो रही है, तो उस हिस्से को या उसको ऑपरेशन से जो है कि उसको काट के अलग कर दिया जाता है, जिससे कि वो और लंबा चल सके शरीर हमारा। हमारा लग्नेश, क्योंकि मंगल लग्नेश भी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से ये मेष राशि के मेष लगन के हिसाब से बात हो रही है। तो जो आगे चल के जब हम एग्जाम्पल चार्ट लेंगे ग्रह बैठे होंगे तो और अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन ये जो है कि आपको ये चीजें पहले बैठा लेनी है अपने दिमाग में कि बहुत आसानी से आपको मालूम चल रहा है कि महादशा किसकी है, अंदर दशा किसकी है, यहां सब लिखे हुए हैं आपने पहले तो ये शुभ और अशुभ। अब आप इसको ले लेते हैं गुरु, क्योंकि ये जो है एक शुभ है और एक अशुभ है। अब जो इसके अंदर जो है कि गुरु की दशा में शुक्र आ जाता है, अब शुक्र मार्केश भी है, धनेश भी है, लेकिन नवम भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण साइन नवम में है और जो है एक धन भाव के अंदर है, मारक है। तो इसके अंदर भी हल्की फुल्की जो है आपकी सर्जरी हो सकती है, मार्केश है, लेकिन अष्टम भाव नहीं है सर्जरी, तो गलत कर रहा हूं मैं, हल्की चोट लग सकती है आपको, यहां का वो बीमार पड़ सकते हो आप, क्योंकि मार्केट है और वो 12वें भाव का स्वामी है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। गुरु की दशा है और साथ में मार्केट की है, लेकिन साथ ही साथ वो मतलब कि चेकअप के लिए चले गए या कोई हल्का फुल्का बुखार हो गया उसके लिए चले गए, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो है कि हमारे नवम भाव का स्वामी है, जो हमारे भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य से हमें धन मिलने वाला है। वैसे ये यहां से छठा भाव है, तो यानी कि मेहनत होगी लेकिन धन की प्राप्ति हमारी होगी, क्योंकि यहां से ये छठा सर्विस का है, यहां से अगर हम गिनती करते हैं तीसरा है, महादशा से अगर हम गिनती करें गुरु की महादशा से, और यहां से ये 12वां है, यानी खर्चा भी है। तो ये आगे के मैटर है, आगे आराम से समझेंगे किसी कुंडली पे। लेकिन इस दशा के अंदर जो है कि आपको शुभ फल मिलने मिले जुले फिर कह सकते हो, कुछ शुभ कुछ अशुभ, क्योंकि दोनों जगह कमा लेंगे। लेकिन इसी तरीके से मान लो गुरु को घर के मालिक के साथ ले लेते हैं, ये तो मैंने मारक के साथ ले लिया। मान लीजिए कि जो आपकी सूर्य की आ गई या मंगल की आ गई, और इसमें से गुरु प्लस सूर्य या मंगल, गुरु की महादशा है, गुरु नौ महेश है। अब उसके सामने दूसरी दशा देखनी है, अंतर दशा किसकी चल रही है, तो अंतर दशा चल रही है सूर्य और दूसरी मैंने बोल लिया मंगल की। तो यहां पर जब सूर्य की चलेगी तो वो त्रिकोण का मालिक है और जो है गुरु जी हमारे नवम भाव के मालिक है, तो ये हमको अच्छा फल देने वाले, हमारे भाग्य देने वाला, उदय होने वाला। और जो जातक की ये जो दशा है पढ़ाई के टाइम पे आने वाली है, क्योंकि तो ये एक जो है हमारा जो है कि वो उच्च शिक्षा का है और ये हमारी बुद्धि का है, शिक्षा का है, हमारे एंटरटेनमेंट का है, तो ये हमारे को अच्छा फल देने वाली है। अब ले लेते हैं मंगल को। मंगल जो है कि यहां पर हमारा जो है कि लगन का मालिक है, जो सदैव शुभ होता है, अभी त्रिकोण का मालिक है, तो बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, भाग्योदय होने वाला है इस दशा के अंदर जो है जातक का। परंतु कुछ परेशानियां, अचानक से परेशानी, थोड़ा लास्ट मोमेंट पे जाके कार्य बनने वाले हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, वो लॉसेस का भी, यानी कि थोड़ा पैसा खर्च भी हो सकता है, लेकिन शुभ रहेगी दशा। कुल मिला के आप उसको ये बोल सकते हो कि आपकी ये दशा बहुत बढ़िया जाने वाली है, इसके अंदर कोई भी पीड़ादायक चीजें या बहुत बुरी चीजें या ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस दशा को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो है कि दो घर जो रहते हैं जो कि सम बोले गए हैं, सम मतलब कि वो इंटरफेयर नहीं करते किसी में,
ये ध्रुव है। दूसरा और बारहवा, अगर शुक्र में अगर जो मान लीजिए कि गुरु की चलती है, तो जैसा मैंने यहां बोला था कि कुछ थोड़े बहुत अड़चन आ सकते, वो क्यों बोला था, उसकी वजह ये है कि ये जो सम है ये न्यूट्रल हो जाएगा, और दूसरा जो घर है इसका वहां पड़ा है, तो ये यहां न्यूट्रल है, तो ये दोनों के घर के स्वामी है, यानी कोई ऐसा घर है जैसे मान लो दो और साथ ही मारक है, और नौ और बारह ये जो है कि बारह जो है कि अशुभ घर में आ गया और नौ जो है कि त्रिकोण में आ गया, तो एक शुभ एक अशुभ, उधर भी एक शुभ एक अशुभ, तो इस तरीके से अगर कोई आता है तो ये घर न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी धन भी नहीं आएगा, लॉसेस भी नहीं होंगे, हॉस्पिटलाइज भी नहीं जाओगे, चोट भी नहीं पहुंचेगी, तो मारक भाव। अब ये जो है कि इन दो भावों का कार्य करेंगे, ये घर हो गया आपका रिलेशनशिप का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का, और ये हमारा भाग्य का, हमारे गुरुजियों का, हमारे पिताजी का, पिताजी को लाभ होने वाला है इसमें, क्योंकि अगर यहां से देखेंगे तो ये ग्यारहवां भाव है, पिताजी से ग्यारहवां भाव है, तो पिताजी को बिजनेस के अंदर या अपने नौकरी के अंदर कोई लाभ होने वाला है, इस तरीके से भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस टाइम पे। तो इस तरीके से जो है जब दो घर के मालिक हो जाए और फिर जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल बोले गए हैं इनको, ये जब दूसरे घर का ज्यादा प्रभाव देते हैं, जब कोई दूसरा घर भी ऐसे ही हो जाए, अब इसी के अंदर मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह है, अब मान लीजिए गुरु जी के जो है गुरु में बुध की आती है, अब जो है कि गुरु शुभ भाव है, लेकिन ये जो बुध है ये तो बहुत अशुभ है हमारा, तो अब जो है जो गुरु का जो बारहवां घर है वो एक्टिव होगा, क्योंकि अभी जो बताया था कि जो ये ग्रुप है हमारा 3, 6, 8, 12, तो ये हमारे सहधर्मी है, एक जैसे कार्य करते हैं, जब उसके साथ दूसरा मित्र मिल जाएगा, यानी कि एक उसी जो है कि श्रेणी का बंदा मिल जाएगा जो वही कार्य करने के लिए जा रहा है, तो इनका काम है हमारे शरीर को बिगाड़ना, हमारे वो आर्थिक हालत को बिगाड़ना, हमारे काम धंधे को बिगाड़ना, हमें बीमार करना, हमारे को एक्सीडेंट देना, तो जब ये चीजें हैं तो अब जब दो एक जैसे ग्रह मिल गए, तो जब यहां पर गुरु बारहवें घर का मालिक है और जो है कि बुध की दशा आएगी, तो जो मेष लगन के जो स्वामी हों, बंदे हैं, नेटिव हैं जातक या जाति का, तो ये जो है कि सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली दशा है, जिसके अंदर जो है कि हमारे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े भी होने वाले हैं, हमें हॉस्पिटल पहुंचना पड़ सकता है, या हमारे इतने ज्यादा झगड़े हो जाएंगे कि हमें जेल जाना पड़ सकता है, या हमें किसी पर जो है कि कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, या कोई दूसरा हम पे कानूनी कार्रवाई कर सकता है, तो ये जो है कि विदाउट चार्ज, मतलब कि आपको इसके अंदर मैंने जो है कि चार्ट के अंदर कोई भी जो है इनको मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको जो कि बगैर किसी ग्रह के चार्ट के अंदर लिखे हुए ब्लैंक चार्ट के ऊपर जो है दशा और महादशा का एक नियम बताया है, जिससे आप जान सकते हो कि कब क्या हो सकता है। इसी तरीके से मान लीजिए कि शुक्र और शनि की ही दशा चलती है, अब शुक्र जो है हमारा धन भाव का स्वामी है और शनि ही हमारा धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव है, तो इसके अंदर जो है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास धन आने वाला है, हमारे को लाभ इतना होने वाला है कि हम खर्च करने के बाद भी उसमें से हमारे काफी मात्रा के अंदर बचने भी वाला है, क्योंकि दूसरा घर भी एक्टिव हो रहा है ग्यारहवीं के साथ, तो और जो है कि ग्यारहवीं से लाभ हो रहा है और धन के अंदर हमारे पास बचत भी आ रही है, तो इस तरीके से हम जो है उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया कि यहां का जो आपस में कोई रिलेशन होता है वो यहां का मालिक नहीं है तो बहुत ज्यादा फायदा है, यहां का मालिक है तो ये देखना है कि यहां का मालिक है तो यहां का भी मालिक है, और जो इन घरों के मालिक बनेंगे, ये मारक घर बोले गए हैं, जैसे मैंने समझाया कि मारक घर बोले गए हैं तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये मार्केट हमारा न्यूट्रल हो जाएगा या हमारा लॉस वाला घर भी न्यूट्रल हो जाएगा, अगर इनके घर के मालिक जैसे कितना 9 नंबर यहां पर है, ये त्रिकोण में है, ये केंद्र में है, ये त्रिकोण में है, तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया, ये न्यूट्रल हो गए, ये सिर्फ बाहर से देख सकते हैं
ये करेंगे कुछ नहीं है, घर से घर एक्टिव नहीं होंगे उस टाइम पे, उस महादशा अंतरदशा के अंदर। अब इसके बाद जो है कि हम चार्ट पे इसको भी देखेंगे, एक दो नियम और भी है योगों के बारे में, क्योंकि जब इसके अंदर अभी तो मैंने ब्लैंक चार्ट पे बोला है। अब ब्लैंक चार्ट से जब हम किसी चार्ट पे जाएंगे तो हमें कुछ योगों के बारे में मालूम होना जो बहुत जरूरी है। कुछ तो मेरे जो है कि चैनल पे मैंने डाल ही रखे हैं, योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, मेष लगन और वृषभ लगन और मिथुन लगन की तो मैंने डाल रखे कौन कौन से हमारे किस किस घर से जो हमारे धन योग बनते हैं। क्योंकि जब आगे हम पत्रिकाएं किसी की देखेंगे तो उसमें हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है ना कि धन योग कितने हैं, लाभ उसी हिसाब से तो होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ बोल दिया आपको कि 2 और 11 के जो दशा महादशा के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, परंतु लेकिन जो है कि धन योग है ही नहीं कुंडली के अंदर, तो फिर वो धन आया कहां से? तो उतनी मात्रा में तो आएगा नहीं जितनी मात्रा में मैंने अभी बताया। लेकिन जो धन योग है, जो कि मैं लगन के हिसाब से बना रहा हूं जो धन योग का, उसे भी देखें तो जिस लगन के अंदर जितने धन योग बताए गए हैं उनमें से जितनी मात्रा में धन योग होंगे कुंडली के अंदर और जितनी मात्रा में कुयोग होंगे, क्योंकि बुरे योगों के बारे में चर्चा करनी पड़ती बहुत जरूरी है, तो उसी मात्रा में हमें दशा अंतरदशा का फल मिलने वाला है। तो आज की जो है वार्तालाप यहीं पर समाप्त करते हैं, इससे आगे चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं, नमस्कार।